रजिस्ट्रेशन के बाद यहीं से टेम्पू टुम्पू मिलेगा। केदारनाथ 16 लिखा है, ऐसा 18 से 20 किलोमीटर है। पानी तो खैर काफी कम है, बरसात में कहते हैं काफी ज्यादा पानी आता है। भगवान केदारनाथ जी के मंदिर का निर्माण भीमसेना जी ने किया। भाई ये सामने में देख रहे हो, ये पूरे यहीं आपदा जब आई थी ना, लैंडस्लाइड जो भी, मतलब सारा पानी यहीं से गिरता हुआ ऐसा आया था। एक नंबर। अभी दर्शन कर लो भाई, लो बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई ऐसा है, 7 बज गए, सामान हमने सारा अपना बैग गाड़ी में थोड़ा बहुत रख दिया जो एक्स्ट्रा था, और जो ज़रूरत का है वो हमने बैग में रख लिया, और हम ट्रैक के लिए निकल रहे हैं। पार्किंग में है सोनप्रयाग के, यहाँ से अभी हम जाएंगे और बोलेरो लेंगे, उसके बाद वहाँ से गौरीकुंड तक वो हमें ले जाएगा, फिर गौरीकुंड से फिर हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। बताते देखते कितना टाइम लगेगा। क्यों तेजू तैयार है फिर ट्रैक के लिए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई ये देखो लाइन है रजिस्ट्रेशन की, कतई बहुत लंबी, और रजिस्ट्रेशन के बाद यहीं से टेम्पू टुम्पू मिलेगा और जाएंगे। भाई वेरिफिकेशन करा लिया हमने, रजिस्ट्रेशन हो गया है, और अब हम आगे जा रहे हैं। उसी रास्ते से आगे पुल पार करने के बाद वो आगे से उस बोर्ड पे, वहाँ से आगे हमें मिल जाएगा बुलेरो, फिर वहाँ से हम निकलेंगे गौरीकुंड के लिए। भाई ये है पुल, ठीक है, इसको अब क्रॉस करेंगे, वहाँ बुलेरो वगैरह खड़ी है, उसी में जाना है। भाई स्ट्रगल देखो भाई, दीपक का स्ट्रगल। भाई 3 जन है इसमें, वाले ने उतार दिया, और यहाँ से हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। अभी गेट आएगा थोड़ी दूर आगे जाके, जहाँ से स्टार्ट होती है ट्रैक। भाई पहुँच गए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, ये रहा केदारनाथ 16 लिखा है, ऐसा 18 से 20 किलोमीटर है। हर महादेव। चलो भाई ट्रैक स्टार्ट करें अब। भाई 8:30 हो रहे हैं, और हमने ट्रैक स्टार्ट किया 8:30 बजे। देखते कितना टाइम लगेगा। जंगल चट्टी 4 किलोमीटर है यहाँ से, अगला पोस्ट पुलिस चौकी वही है। ये अपना भाई घोड़े जा रहे हैं, उन पर सामान लद के जाता ऊपर। सामने पहाड़ बर्फ वाले, 13 किलोमीटर जंगल चट्टी, 13 किलोमीटर केदारनाथ दिखा रहा, पर ये पहले का रास्ता हुआ करता था, अभी शायद 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, तो 13 की जगह शायद 17-18 बता रहे हैं। देखते हैं टोटल कितना पड़ता है। बस 10 मिनट के लिए रुके हैं, नींबू पानी पीना सही रहता है भाई, नींबू पानी वगैरह पीते रहो, दिक्कत नहीं आती। ये रहा भाई हमारे बैठे हैं साइड में, भाई नींबू पानी पी पा के जंगल चट्टी से पे शुरू कर दिया हमने। देखते हैं यहाँ से कितना, 15-16 किलोमीटर और बता रहे हैं, पता लग रही है अभी। ये भाई वाटरफॉल सा, भाई पानी तो खैर काफ़ी कम है, बरसात में कहते हैं काफ़ी ज़्यादा पानी आता है। अभी दिखाता हूँ ऊपर से, ये देखो भाई इस पानी का सोर्स, ये आएगा हाँ सारा ऊपर से यहाँ से। भीम वाली कैंप आ गई है, अभी 1-1.5 किलोमीटर पे रामबाड़ा है,
भाई ये है भीमबली का मंदिर, और अगर आप यहाँ पढ़ोगे देखो उसमें लिखा भी है भगवान केदारनाथ जी के मंदिर का निर्माण भीमसेना जी ने किया, इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भाई कर लो दर्शन। भाई ये सामने में देख रहे हो ये पूरे यहीं आपदा जब आई थी ना तो ये पूरा का पूरा भाई यहीं से अपना मतलब लैंडस्लाइड जो भी मतलब सारा पानी यहीं से गिरता हुआ ऐसा आया था। तो अब यहाँ पे देखो एक नया ब्रिज सा बना दिया उस तरफ जाने के लिए, और एक आगे में भी वहाँ पर ब्रिज बना हुआ है पूरा एकदम सेंटर में हुआ। भाई फ्लो देखो कितना सही है पानी का, भाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई है। आप सोच रहे हो ना हल्का है बहुत, भाई बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग है 10 किलोमीटर तो फिर भी चलो 8 किलोमीटर ठीक है, उसके बाद तो भाई बहुत बड़ा है हल्का, तो बिल्कुल मैं समझ गया ना, और जितना भाई हल्का सामान ला सकूँ उतना बढ़िया। चलो भाई अभी मेरे ख्याल से 8 किलोमीटर के आसपास और जा रहा है, 8 साढ़े 8, और टाइम हो गया है 1:15। देखते हैं कुछ खाना भी ना खाएंगे, सुबह से खाना भी नहीं खाया है। चढ़ाई देखो भाई पता ही खड़ी चढ़ाई देख, वहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ के फिर वो उधर ऊपर, बहुत खड़ी चढ़ाई है भाई, बहुत खड़ी चढ़ाई। स्टार्टिंग 7-8 किलोमीटर सही है, फिर भी उसके बाद जो 7-8 किलोमीटर है ना खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। आइए अब 2 बज रहे हैं अभी, हम यहाँ रुके हैं खाने के लिए, कुछ पराठा मंगाया इसके साथ राजमा है, और चाय के लिए ऑर्डर दे रखा है वो भी आ रहा होगा, फटाफट खाते हैं। अभी भी 7-8 किलोमीटर के आसपास बच रहा है हमारा, उसको ख़त्म करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मस मेरा। शिव वहाँ स्वर्ग, सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। भाई खाना खाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे हम चल लिए, और अब जाके हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया। भाई टफ है, हम बैग बहुत भारी ले आए, इतना भारी बैग लाने की ज़रूरत थी नहीं, तो भाई अगर आओ ना तो भाई बैग मत लाना इतना भारी, जितना हल्का सामान लाओगे उतना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तो अब थोड़ा सा भी यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, टाइम हो चुका है 3:50, और देखते हैं अभी और कितना टाइम लगेगा। अभी तो मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर और रह रहा है, टफ है भाई, हल्के मत देना, थोड़ी भाई फिटनेस विटनेस करनी पड़ेगी तभी आना, वरना भाई बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और ये तो अभी है कि अभी तो हम चढ़ रहे हैं, अभी जब बॉडी ठंडी होएगी कल क्या होगा ये तो कल ही पता लगेगा। पानी मुँह पानी और पी रहे एक बार, अभी तो देख रहे हो जहाँ वो जाएगा हेलीपैड है, वो 1.5 किलोमीटर पहले है केदारनाथ मंदिर से, देखते जाओ कहाँ तक गया वो। ओ भाई बिल्कुल पार ही होगा, और वहाँ तक हमें जाना है पूरा ऐसे घूम घाम के, देख रहे हो ऐसे 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 करके लास्ट, और उसके भी वहाँ से भी आगे अभी है भाई 5 किलोमीटर और उतारे हैं यहाँ से। कितने किलोमीटर और वो मतलब ये वैसे वहीं तक चढ़ाई है लास्ट जो कोना है या उससे भी ऊपर है? 3 किलोमीटर चढ़ाई है बस, इसके आगे भी है चढ़ाई। सामने वाला आगे पहाड़ से लग रहा है वहाँ, वो सामने वाला हाँ वहाँ तक चढ़ाई है भाई साहब, उसके बाद फिर प्लेन है। ये है कि ऐसी चढ़ाई नहीं जैसे पीछे थी, अब थोड़ी हल्की रही बस यहाँ तक, लेकिन रहेगी अभी भी है ना वो जो वहाँ तक है लास्ट में।
थोड़ी और आएगी है, पांच में से तीन किलोमीटर चढ़ाई होगी, दो किलोमीटर ऐसे नॉर्मल। चलो भाई देखो कितने बढ़िया लग रहा है, ये पहाड़ है बर्फीले, सनसेट हो रही है, 105 हो चुके हैं और घोड़ा घोड़ा बर्फ पे जब पड़ रही है ना, एक नंबर लग रही है, एक नंबर। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो अब देखो एक नंबर। तो भाई हमने अभी यहाँ थोड़ी देर चाय वाय पी है और मैगी खाई है, सुबह से हमने भाई दो केले, एक पराठा, चाय और मैगी, 6 बज रहे, इतना ही खाया, यही खा के हम चढ़ रहे हैं भाई। और बीच में भाई हमने 2 बार नींबू पानी पिया है और अभी तेरे और यार। अभी भी 2-2.5 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर है, एक लास्ट चढ़ाई रह गई है, उसके बाद तो कह रहे 2 किलोमीटर प्ले ही नहीं है, देखते हैं क्या सीन बनता। भाई फाइनली बेस कैंप पहुँच लिया, यहाँ से 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर और रह गया। भाई हमने टेंट ले लिया, ठीक है, 4 लोगों के लिए सामान रख दिया उस पर और खाना भी खा लिया। अब हम आए हैं, देखते हैं बाहर से दर्शन हो जाएंगे, ऐसे तो सारे कपाट खुले हैं, देखते हैं हो जाएंगे तो दर्शन, ठीक है, नहीं तो बाहर से दर्शन करा देता अभी आपको। कल सुबह ओह कपाट बंद हो गए भाई, कल करेंगे आपको दर्शन, अभी दर्शन कर लो भाई, लो बाबा केदारनाथ हर हर महादेव। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे, अरे हम केदारनाथ के बिल्कुल मंदिर के सामने खड़े हर हर महादेव। भाई केदारनाथ आ गए, ठीक है, ऐसे लगा लो आंखों में आंसू से हैं बस, इतने दिनों बाद, बस 3 साल पहले प्लान किया था, अब जाके प्लान सक्सेस हुआ है। और ये भाई सामने घंटा, बस एक दरवाजे की दूरी है, वो भी कल सुबह पूरी हो जाएगी, तो आपको तो नहीं दिखेगा, इसके लिए आपको इतनी मेहनत करके आना पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा लगेगा यहाँ के, आपको एक अलग ही गुजबंस आएगा, मज़ा आ जाएगा। आओ भाई बिल्कुल।